नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग दर्शकों। तो आप सभी जान सकते हैं आपकी परेशानी और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ, बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आज जानेंगे पंचमुखी हनुमान जी की पूजा के महत्व के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह मेष राशि। आज कोई बात कहने और सुनने में स्पष्टता रखनी होगी, मेहनत से अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए घर से दही खाकर निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई नया काम या चलते काम को किसी नए तरीके से करने की आज आप प्लानिंग कीजिएगा। और ध्यान रखिए, फ्यूचर को लेकर जो भी आपकी उम्मीदें हैं, जो भी सपने हैं, उनके बारे में पॉजिटिव वे से आज विचार कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सिचुएशन में चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस के साथ में अपने आप को भी चेंज करने का प्रयास कीजिएगा और रिश्तों में दूसरों का नजरिया देखने का भी प्रयास कीजिए। आज के दिन आपके जो आइडियाज हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने की आवश्यकता है। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले जैसलमेर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र जी हैं। इनके जन्म की तारीख है 25/11/1963 और इनके जन्म का समय है रात का 9 बजे का। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। महेंद्र जी, कैसे हो आप? मैं ठीक, आप कैसे सर? सब राजी खुशी, होली अच्छी रही आपकी जैसलमेर में? बढ़िया रही सर, बढ़िया अच्छी रही। आपकी कैसी रही? ठीक बहुत रही? बहुत बढ़िया, सब आशीर्वाद माता जी का, और आप सब लोग बहुत सुखी रहो, स्वस्थ रहो, यही मनोकामना। बताइए सर। सर मेरी वो इकोनॉमिक क्राइसिस थी, अब वो खत्म हुई नहीं, खेत की दशा तो खत्म हो गई सर अब। बिल्कुल महेंद्र जी, आपकी 7 साल की केतु की महादशा खत्म और 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू। निश्चित तौर पे फाइनेंशियल अब आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। आपको हर लिहाज से, संतान के लिहाज से, सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं, बच्चों के लिहाज से भी अगर हम देखें तो अब आने वाले जो 20 साल हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि इसमें आपके बच्चों का जो कैरियर है वो स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी आएगी। बच्चों से संबंधित जो भी अभी तक रुकावटें थी उनके कैरियर में वो सब दूर होंगी। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, कुंडली में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। शनि का स्वग्रही होना, गुरु का स्वग्रही होना, सूर्य बुध बुध आदित्य योग का होना, मंगल स्वग्रही होना, ये सब चीज़ें जो इंडिकेट करती हैं, इंडिकेट करती हैं कि आने वाला जो समय है वो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बस आप कोशिश करें, एक पन्ना रत्न और धारण कर लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध गणपति रिद्धि सिद्धि के जो दाता हैं वो अस्त होके बैठे हुए, तो आप यदि एमरेल्ड पन्ना रत्न धारण कर लें 3.5-5 रत्ती का सोने में, तो वो भी वो आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी अब आगे जो है डे बाई डे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। काम में मन लगाइए, अपने काम को पूरे तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद 100% आपके साथ रहेगा। पंडित जी, अभी कल महेंद्रगढ़ से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सुमन जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1/8/1963 और इनके जन्म का समय शाम का 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्कार जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जी बताएं। मैंने आपसे 25 को बात की थी, आपने मुझे एक मंत्र बताया था।
ओम भीम मोहे मोहे वो मैं लिख नहीं पाई पूरे से वापिस। दूसरा मेरे को एक सर से बहुत डर लगता है। किस चीज से? ताप से। नेगेटिव सोच चलती रहती है मेरी। और बताओ मुझे इन सब बातों के बारे में, मैं खुश रहूं, मेरे बच्चे मेरे कैसे रहेंगे? ये आपकी जो मूल नक्षत्र है उसकी शांति करवाई थी, पूजा हुई थी? पता नहीं, मैंने मम्मी से नहीं पूछा, भूल गई। पूछ लीजिएगा आप उसको। देखिए वैसे जन्म कुंडली में आपके अगर हम देखें तो राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा जब आती है तो कहीं ना कहीं सर्प सांप से इस तरह के सपने आने या उनसे डर लगना, तो उसके लिए मैंने आपको कहा था एक गोमेद रत्न आता है मध्यमा उंगली में, वो आप 5.25 रत्ती का चांदी में धारण कर लीजिए। कोई महंगा स्टोन नहीं, 800-1000 रुपये में बढ़िया स्टोन मिल जाता है। मध्यमा उंगली में गोमेद रत्न रविवार के दिन आपको धारण करना है चांदी के अंदर। दूसरा जो है, चूँकि आपकी जन्म कुंडली में आपकी जो नक्षत्र है मूल नक्षत्र, उसका आपको पूछना पड़ेगा। मूल नक्षत्र में पैदा हुए जो बच्चे हैं वो खुद पे भारी रहते हैं, जब तक मूल नक्षत्र की शांति नहीं करवा दी जाए। माता पिता भी भारी रहते हैं, खुद पे भी भारी रहते हैं। और रही बात वो जो मंत्र मैंने आपको बताया था, वो बहुत सिंपल सा मंत्र है, ओम रिम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। ओम रिम मोहिनी मम पति उनका नाम ले लीजिए, मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। ओम रिम मोहिनी मम पति उनका नाम, मोहे मोहे ओम रिम स्वाहा। इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना है और थोड़े से समय की बात है, जहाँ तक मुझे लगता है कि चूंकि राहु में राहु का अंतर जो है वो कहीं ना कहीं आपको हैरान परेशान कर रहा है, तो इस वर्ष मई के पश्चात में आपके जीवन में काफ़ी सुधार आने को दिख रहे हैं। इसके अंदर नियमित रूप से पहली रोटी गाय की, आखिरी दो रोटी कुत्ते की रखिए और पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए। एक समय सरसों के तेल का दीपक जला के हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी नहीं आपके जीवन में। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील जी हैं रतनगढ़ से, जो कि अपनी माता मंजू जी के लिए जानना चाहते हैं। मंजू जी की जन्म की तारीख है 30/9/1959, उनके जन्म का समय है सुबह का 5:30 का। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। धन्यवाद अर्पित जी, प्रणाम गुरु जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। गुरु जी मैंने अभी 2 दिन पहले मम्मी के बारे में पूछा था, तो उनका जन्म है जो 30/9/1959 सुबह 5:30 का है, उनके स्वास्थ्य में भी गड़बड़ चल रही है और एक उनको लाभ कोई किसी का भी काम करते हैं ये तो वहां से उनको जस की प्राप्ति नहीं होती है, हर जगह इनको निराशा होती है, जिससे भी इनका विशेष लगाव होता है उन्हीं से धोखा मिलता है इनको, ऐसा क्यों होता है गुरु जी? देखिए बेटा, आपकी माता जी मंजू जी की जन्म कुंडली में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इनकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण योग है। सूर्य राहु बुध और मंगल चार ग्रह एक साथ आपकी माता जी के लग्न में आके बैठ गए, सूर्य बुध राहु मंगल। सूर्य राहु जब साथ होता है तो सूर्य ग्रहण योग कहलाता है, पितृदोष कहलाता है। राहु मंगल जब साथ हो जाता है तो अंगारक योग कहलाता है, और सूर्य बुध जब साथ होता है तो बुध आदित्य योग, तो दो तो अशुभ योग और एक शुभ योग, कुल मिला के मैथमेटिक्स का फार्मूला है प्लस इंटू माइनस माइनस। राहु की 18 साल की महादशा आपकी माता जी को चल रही है, और राहु का जो काम है वो है सत टेढ़ा चलना। उसी तरीके से इनके जीवन में फ्लक्चुएशन, हेल्थ सेक्टर को देख लो या मन को देख लो, हर तरह की। और सूर्य जिसकी जन्म कुंडली में राहु से पीड़ित हो जाता है, ऐसे लोगों को जीवन में यश नहीं मिलता है, बात बात पे अपयश का सामना करना पड़ता है। लाख अच्छा कर लो लेकिन अंत में जो रिजल्ट है वो यही आता है कि आपने क्या किया, और किया तो ये आपकी जिम्मेदारी थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनको फेस करनी पड़ सकती है। नियमित रूप से इनको सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। राहु की शांति के लिए एक मैंने आपको बताया बेटा, गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में माता जी के डाल दो। सोते समय इनका सिर जो है वो पूरब दिशा के अंदर रखिए, और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, इनके वजन के बराबर गुड़ लीजिए, गौशाला में जाइए, गायों को खिलाइए, स्वास्थ्य बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ होता हुआ दिखाई देगा, बाकी और कोई दोष नहीं। और पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से जानना, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए बीकानेर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश जी हैं, जो कि अपने भाई अशोक के लिए जानना चाहते हैं। अशोक जी की जन्म की तारीख है 19/9
1970 उनके जन्म का समय सुबह का 6:50 का। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। आचार्य जी प्रणाम। जी साहब शुभ आशीर्वाद, जय श्री कृष्णा। कैसी रही आपकी होली? बहुत ही बढ़िया रही, आप गुरुओं का आशीर्वाद बढ़िया रहे, हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, यही आशीर्वाद। ये मेरा छोटा भाई है, ये नेशनल प्लेयर रहा हुआ है जिमनास्टिक्स में और राजस्थान में ऑलराउंड बेस्ट रहा हुआ है, और इसके जीवन में 92 के बाद एक टर्न अराउंड आया और उसका ट्रैक पूरी तरह चेंज हो गया। एक वो आजकल नशे आदी हो गया, दूसरा वाइफ छोड़ के चली गई है, उसकी जिंदगी काफी टॉपसी टर्वी हो गई। तो इसकी जिंदगी में कब सुधार आएगा, कब स्थिति अनुकूल होगी या ये ऐसे ही रहेगा? इसका जो मकान है वो खुद का है या पिताजी के पास रहता है? क्या फेसिंग होगा मकान, आपको आइडिया है? नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। देखिए इस बच्चे की जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली के अंदर मैं आपको जो सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसकी जन्म कुंडली में एक तो आप अष्टम भाव में देखें तो चंद्र शनि का विषयोग बना हुआ है, चंद्र और शनि विषयोग, उसके साथ में जो शनि है वो जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा हुआ है। राहु की 18 साल की महादशा चल रही है, 18 साल की, भारी कालसर्प दोष है, सर्प दोष वो भी विषयोग के साथ में बहुत नुकसानदेह साबित होता है। 18 साल की राहु की महादशा सन 2001 से चल रही है और राहु जो बैठा है वो वक्री होके बैठा हुआ है, वो भी शनि के घर में, शत्रु के घर में। केतु सांप की पूछ जो है वो द्वादश भाव में बैठने के कारण कहीं ना कहीं अपमान, अपयश और इस तरह की नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। लग्नेश फिजिकल हाउस का जो ऑनर है बुध, वो भी कुंडली के अंदर वक्री है। सबसे पहला काम तो यह है कि वहाँ योग्य आचार्य से बात करके इस शनि की शांति करवा दीजिए, हो सके तो कोई शनि अमावस हो तो उस दिन इनके वजन के बराबर तेल लेके और शनि भगवान का अभिषेक करवा दीजिए, एक तिकोना मूंगा इनको आप धारण करवा दीजिए और जन्म स्थान से इनको दूर कर दीजिए। यदि जन्म स्थान से दूर रह के ये काम करेंगे तो इनको काफ़ी बेनिफिट होगा, जहाँ इनका बर्थ है वहाँ पर इनको नहीं रहना है। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न धारण करवाएं, पास में कोई जगह हो जहाँ मछलियाँ हो तो इनके नाम से कोई भी इनके घर का सदस्य जो है वो मछलियों को अगर बगैर नमक मिर्च वाले लौंग लगे बड़े खिलाए 11-51 तो बहुत जल्दी इसके करेक्टर में, नेचर में आपको सुधार दिखाई दे सकता है। चलिए दर्शकों अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भविष्य की योजनाओं में इतना मत खो जाइए कि आज की जिम्मेदारियों को भूल जाएं, नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में मत आने दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था कीजिएगा, गर्मी शुरू हो गई है, जैसे आपको हमको पानी चाहिए वैसे पक्षियों को भी पानी चाहिए, परिंडे लगाइए घर के अंदर। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, दूसरों से विचार विमर्श करें किंतु अपने विचारों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प अपने पितरों की तस्वीर के समक्ष अर्पण करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि है। जहाँ तक संभव हो आज अपनी सोच और अपना व्यवहार पॉजिटिव बनाए रखिएगा और दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखिएगा जितनी की प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो, व्यर्थ की चिंताएं मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दर्शकों यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।